Welcome, student of class 8. How are you? Hope everyone is fine. Your teacher is here. Your subject is social studies. As you know, we started revision and we are doing our revision. So try to understand that this revision is very important. Take a part. Don't miss it and do it. सोशल स्टडीज़ आपको पता है हम कर चुके थे, काफ़ी काम हमने कर लिया था. अभी कुछ मैं आपको दे रही हूँ एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बी वाइंड अप. सो प्लीज़ ज़रूर करें, जो काम दिया जाए उसको करें, समझें पहले, फिर उसको लिखें, पहले उसको याद करें और फिर उसको लिखें. लिख चुके हैं, दोबारा लिखें. डू इट अगेन. अगर आप दोबारा करेंगे तो यू विल एबल टू डू इट इन टाइम. अब ये देखिए, ये कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं जिसके मीनिंग्स आपके पास पहले थे. इमिग्रेंट, इमिग्रेंट्स का मतलब होता है फॉरेनर्स. टू, डिस्पाइट इंक्लूडिंग. थ्री, फेटफुल क्रिटिकल. फोर, माउंटेन ह्यूज. फिर आपने ये थ्री रिलीजियस जो फलस्तीन में हैं उनके नाम लिखने हैं. ये आपके पास काम है, इसको कर लीजिएगा. इसके आंसर्स आपको मिलेंगे. इसको दोबारा देखिए, इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स का मतलब होता है फॉरेनर्स, जो बाहर चले जाते हैं, जो दूसरे मुल्क में जाते हैं, जैसे आप चले जाते हैं या हम हमारे मुल्क में कोई आ जाता है तो उसको हम फॉरेनर्स कहते हैं. डिस्पाइट इंक्लूडिंग यानी डिस्पाइट ऑफ दिस, इसके साथ. फेटफुल क्रिटिकल, जो बहुत क्रिटिकल होता है, मुश्किल होता है. माउंटेनस, आपको माउंटेन से पता चल रहा है, ह्यूज, जो बहुत बड़ा हो, ठीक है. और ये थ्री रिलीजियस हैं, इसको आपके पास ये काम है, आप कर लीजिएगा. फिर भी हम आप देखिए कौन से वाले हैं, आप उसको देख के कीजिएगा, ठीक है. अच्छा, तो ये काम आपको, इसको 31 जून को दिया गया है. सो प्लीज़ डू इट, अपने टाइम पे काम कर लें और इसको याद कर लें अच्छे तरीके से. अभी और आपको मिलेगा रिवीजन, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है. और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं सब इसी चैप्टर के, वो भी आपने करने. सो सी यू सून स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम. फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आइए पूछिए, आपको मैं करवा दूँगी. और इसके अलावा आपके सारे लेक्चर्स अपलोड हुए हुए हैं, आप उस अपलोड में से देख सकते हैं. रिवीजन का मतलब यही है कि अपनी चीज़ को समझना, उसको रिवाइज़ करना और रिवाइज़ करने के बाद उसको फिर याद करना और याद करके लिखना. तो इसका ख्याल कीजिए कि ये सारे तीनों काम आपने करने हैं. पहले आपने इसको समझना है, समझ के आपने इसको रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करके फिर आपने इसको लिखना है. सो बी केयरफुल अबाउट योर हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग्स. विश यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन. हैव अ नाइस टाइम. गुड बाय, टेक केयर.